हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है और अभी भी आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। और आप लोगों को आज कौन सा टेस्ट देना है इसके बारे में बात करने वाला हूं। फिलहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो इनकी 18 मंथ वाली सेल है इस पे लिखा हुआ है गुड बाय सेल। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने मुझे भी बताया है कि इसके बाद सर ये सेल नहीं आएगी। तो जिन भी बच्चों को लेना है उन्हें आप इन्फॉर्म कर दो, अगर वो लेना चाहते हैं तो इस टाइम पर ले सकते हैं, या अपने आप डेज बढ़ाना चाहते हो जिसके 15 दिन रह गए हैं, 20 दिन रह गए तो आप उन्हें भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप लोगों को ये 18 मंथ वाली सेल नहीं मिलेगी देखने को। तो गाइज सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यही थी। इसके बाद अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को आज का टेस्ट देना है, कौन सा हम लोगों को टेस्ट देना है। और गुड न्यूज़ सबसे बड़ी ये है कि हमारे लिए अब हमें, जैसे कुछ बच्चे क्या हैं जिन लड़कों को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, 2019 वाले टेस्ट लगाए जा रहे हैं, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बहुत अच्छी बात है कि टेस्ट बुक वालों ने हमारे लिए 2022 के लेटेस्ट टेस्ट और ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। पहले आप देख रहे थे 10 ही अवेलेबल थे, फिर 15 अवेलेबल हुए, अब हमारे पास 20-25 से भी ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं 2022 वाले। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेस्ट हैं वो 2022 वाले हैं, या हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर हैं। आपको उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2019 वाले फुल टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी करंट जीके आपके किसी काम की नहीं है। इन लोगों ने भी जब से इन्हें पता चला है कि NSCIT कंपनी करा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने टेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सिलेबस को देखते हुए अभी के हिसाब से, अभी के पैटर्न के हिसाब से इन्होंने सारी चीज़ें की हैं। पहले टेस्ट भी बने थे लेकिन उसमें करंट जो है पुरानी थी, अभी क्या है आप लोगों को लेटेस्ट करंट मिल रही है। तो एनालिसिस करने के बाद आपको करंट से भी बेनिफिट मिले, इसलिए वो लेटेस्ट टेस्ट उसमें इंक्लूड किए गए। तो गाइज जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है वो टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लें। अब चलिए बात करते हैं हम कि आज कौन सा टेस्ट देना है और किस तरह से आप लोगों को टेस्ट देना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ मैं उन्हें डायरेक्ट टेस्ट देखना है कौन सा देना है, तो आप पीछे जाके वीडियो देख लो। फिलहाल मैं इनके बारे में बता देता हूँ इन्हें टेस्ट कैसे देना है। देखो मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं समझा कि मेरा टेस्ट है, मैंने हमेशा टेस्ट को ये समझा है कि मेरा पेपर है। अगर आप पेपर समझोगे ना कि आपका वो पेपर है, तब आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे। ये जो 4 दिन के या 3 दिन के टारगेट्स होते हैं इन्हें बहुत अच्छे से करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका संडे के दिन टेस्ट है और संडे की इवनिंग में ही टेस्ट होता है। पहले ये देख लो, 4:2:1 का मतलब होता है कि 4 दिन, मतलब ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, या मेरा लेक्चर आएगा तो उसे कंप्लीट करना है। यहाँ जो है सैटरडे और संडे के दिन, सैटरडे के दिन पूरे दिन जो इन 3-4 दिनों में पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। संडे के दिन मैं बोलता हूँ कि ओवरव्यू ले लो, चाहे आपने कोई चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप उसके फॉर्मूलाज ही देख लो, लेकिन जरूर से जरूर देख लो। जैसे मैथ्स है, अगर आपने वो पढ़ भी नहीं रखा है तो उसके फॉर्मूलाज वगैरह देख लो, जिससे कि क्वेश्चन आए तो क्या पता आपसे बन जाए। और मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं ग्रुप डी में, तो आप लोग बड़ी आसानी से बना पाओगे। और जो डेप्थ में आते हैं वो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि टाइम एंड वर्क है, पाइथन सिस्टम है, तो वो वाले आप लोग कर ही रहे हो। तो सैटरडे और संडे को किस तरह से पढ़ना है मैंने बताया। संडे की इवनिंग में मैं ये कहता हूं कि जितना लेट हो सके उतना लेट टेस्ट दिया करो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूं कि बच्चा एग्जाम में बैठने जा रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले आपको टाइम चाहिए होता है, जितना ज्यादा टाइम मिल जाए उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा दिमाग एक्टिव होता है। लेकिन याद रखना ये सिर्फ होता उन बच्चों के साथ है जो बच्चे एग्जाम की तरह फील लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर आप सोच रहे हो टेस्ट है तो फिर तो आप ये सोचा, अरे छोड़ो ऐसे ही टेस्ट है, तब तो आप टेस्ट वाली फील लोगे। लेकिन अगर आप ये वाली फील ले रहे हो कि मेरा एग्जाम है, पिछली बार मेरे 55 नंबर आए थे, इस बार मुझे ज्यादा ही लेके आने हैं, पिछली बार मेरी रैंक 5000 थी, इस बार मुझे 4000 के अंडर में आना है, तब आप फील करोगे एक एक मिनट को। और आप चाहोगे कि जितना लेट टेस्ट दूं उतना अच्छा है, क्या पता वहां से जो पढ़ रहा हूं अभी एक घंटे पहले, क्योंकि पेपर से पहले जो दिमाग एक्टिव होता है वो कभी एक्टिव नहीं होता। आपने कभी देखा होगा सेमेस्टर एग्जाम देने जाते थे, या आप 11th के 12th के, कभी भी पेपर से पहले आपको वो चीजें भी याद हो जाती थी जो साली पूरी 6 महीने 1 साल में याद ना हुई हो, ऐसा ही होता था ना। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खुला हुआ होता है और बहुत अच्छा एक्टिव होता है। आप फोन वोन दूर फेंक देते हो और फिर टेस्ट की तैयारी या पेपर की तैयारी कर रहे होते हो। इसी तरह मैं आप लोगों से कहूँगा, पूरी ईमानदारी के साथ
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैसेज को छोड़ के मम्मी का दूध लेके आने, मम्मी की घास लेके आना, ये करना वो करना, उन सारी चीज़ों से दूर होके सिर्फ 1.5 घंटा बैठ के आपको एक टेस्ट देना है डिनर से पहले अगर चाहो तो, और एक डिनर करने के बाद। फुल टेस्ट नंबर कौन सा, लेटेस्ट टेस्ट देना है 2022 का, यहाँ स्क्रीन पे चलेगा अभी, देख लेना कौन सा टेस्ट है। फुल टेस्ट नंबर 12 आप लोगों को देना है, और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर का देना है 62। और हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इनका एनालिसिस का अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को इन दो टेस्टों का एनालिसिस कराऊंगा। इसीलिए मैं ये दे रहा हूं कि जब सबरे बच्चे एक ही टेस्ट लगाएंगे तो उसका डिस्कशन करना आसान रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो ये दो टेस्ट देने हैं, लेटेस्ट फुल टेस्ट नंबर 12 और प्रीवियस ईयर नंबर 62। लेकिन टेस्ट देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात है कि घर वालों से ये बोल देना है कि भैया मैं पेपर देने बैठ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे 1.5 घंटा डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, जब तक आपके पास ऐसा टाइम ना हो जाए कि 1.5 घंटा डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक आप वो वाला काम मत करना। कहने का मतलब ये है कि पूरे 1.5 घंटे बैठ के टेस्ट देना है, उस टाइम पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। 5 मिनट पहले ख़त्म करने की कोशिश करना, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप डेस्कटॉप पे बैठते हैं तो माउस से जूम करने में या ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि 85 मिनट में पेपर को खत्म करने की कोशिश करना। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई भी अगर बच्चा यहां पे आज भी ऐसा है, जो मैं कभी भी नहीं कहता हूं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पूरे क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 100 क्वेश्चन देखना कंपलसरी है। BIP गुरुजी यूट्यूब चैनल का अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं उसे अपना स्टूडेंट नहीं मानता, हमारा कोई भी, मैं कहता हूं। बच्चे कहते हैं कैसे देख ले 100, भाई आप पहला जो राउंड मार रहे हो ना उसमें अटकना है ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसे मार्क करके निकल जाओ, आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन मैं बाद में कर सकता हूं, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। पहला जो राउंड जाएगा 100 तक वो ऐसे जाएंगे कि जो क्वेश्चन हो रहा है बस वही करना है। 1 से 1 घंटे में या 70 मिनट में आपको लगभग 1 घंटे के अंदर पहला राउंड मार लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 100 क्वेश्चन देखना कंपलसरी है। वो मैं इसलिए बोलता हूं, कई बार हमारे लास्ट में क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और बच्चे 90 पे 80 पे जाकर अटक जाते हैं और वो पीछे के 20 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, जबकि उन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी थे, अगर आप पहुंच जाते तो बड़ी आसानी से मार्क्स गेन कर लेते, और आपको पता है 7 से 8 नंबर की क्या वैल्यू होती है। इसलिए पूरा पेपर देखना कंपलसरी है, ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है। अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि भैया को दिखाने के लिए, भाई क्या करोगे मुझे दिखा के या किसी को दिखा के क्या करोगे, आप अपनी ईमानदारी खुद से रखिए। अगर आप ईमानदारी के साथ टेस्ट देते हैं बैठ के, आपको पता है अपनी औकात, हमें पता है अपनी औकात, तो आप अपनी औकात को जानिए कि भाई मैं कितने पानी में हूं और उस औकात को ऊंचा करना है। समझ रहे हो ना, बुरा वर्ड नहीं है, बुरा मत समझ लेना, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें अपनी औकात पता चलती है कि यार मैं 55 नंबर पर हूं और फिर हमें ले उठना है 85 तक, समझ रहे हो ना, और वो तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल एग्जाम वाली फील लो, एग्जाम की तरह बैठो, पूरा टाइम दो। अब एक बात बताओ, जो बच्चा 60 मिनट में पेपर करके उठ रहा है उसे मैं क्या कहूँ, वो सीरियस ले ही नहीं रहा है। जिस बच्चे ने पूरा टाइम नहीं दिया इसका मतलब है कि वो सीरियस नहीं दे रहा है। पेपर में उठ के आ जाओगे ऐसे कंपटीशन के एग्जाम में, सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी मैं उस बच्चे को समझता हूं जो पेपर को सबसे पहले करके निकल लेता है। भाई तू दोबारा चेक कर ले, क्या पता कोई क्वेश्चन गलत कर रखा हो तूने जल्दबाजी में। कभी भी अपने पेपर को पूरा टाइम खत्म होने से पहले कभी मत छोड़ के भागो, कभी जिंदगी में मत भागो, पूरा का पूरा पेपर देखना कंपलसरी होता है। और तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि किसी भी तरह से ये मत समझो कि एग्जामिनर बेवकूफ है। अगर आप लोगों को 90 मिनट्स दिए जा रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही 90 मिनट्स दिए जा रहे होंगे, तो बस आप लोगों को अपने पूरे टाइम का यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी 90 मिनट से पहले कभी भी पेपर नहीं छोड़ना है, 85 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है 5 मिनट पहले, लेकिन आपको 90 मिनट्स तक पेपर छोड़ना नहीं है। ये कोशिश करनी है कि ये 85 मिनट में हो जाए, लेकिन 90 मिनट तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए ये वाली बात हो गई है। प्लेलिस्ट देखोगे, जो बच्चे अगर प्लेलिस्ट देख लोगे तो आप लोगों को असर दिखना शुरू हो जाएगा आज से ही। मतलब आप टेस्ट देने से पहले अगर आपने प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं की है तो आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके रिजल्ट क्या होते हैं। और भाई आप जब तक प्लेलिस्ट नहीं देखोगे तब तक आप लोग ऐसे ही रहना, फिर आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो करिए, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि प्लेलिस्ट देख लोगे तो आपके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, मैंने बता दिया है, और जो टेस्टिमोनियल देने हैं
तो गाइज आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम पे जिन लोगों को भी टेस्टिमोनियल देने हैं इस टेस्ट के बाद भी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, अपना टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। आपको क्वेश्चंस फंसते हैं नहीं फंसते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास बचा भी नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया है, और देखना आप लोग बाद में फिर बरसाती मेंढक की तरह स्टूडेंट आएंगे कि भैया दोबारा शुरू कर दो, लेकिन बार बार चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ा तो आप देखिएगा कि आप कितने अच्छे रिजल्ट देते हो। चलिए फिर फर्स्ट राउंड पूरा जरूर से जरूर मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से करना है, प्लेलिस्ट भैया देख लेना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे बताई गई हैं। एक से दो वीडियो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सजेस्ट करूंगा, वो वीडियो देखने के बाद टेस्ट दोगे तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा दिखेगा। चलिए डीजे वीजे चल रहा है, शायद कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़ जाए, फिर पता चला कि पीछे से सॉन्ग की आवाज़ आने लग गई। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टारगेट्स की वीडियो और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोगों को पता है कि भाई जॉब करते हैं तो उसके साथ टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, तो टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो उस चीज़ को आप लोग भी समझा करो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास पूरा टाइम ही टाइम है, आप लोग थोड़ी रिस्पेक्ट करिए उस चीज़ की, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर किया कीजिए। अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट वगैरह जरूर से जरूर किया कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।